आपका स्वागत है। देश में इस वक्त महंगाई की मार लगातार आम जनता झेल रही है। वैश्विक कारण भी इसके हैं और भी दीगर कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त बहस का विषय है आखिर क्यों हम महंगाई पर उस तरह से जिरह नहीं करते, उस तरह से आक्रोश जाहिर नहीं करते जिस तरह से हम धर्म पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर बात करते हुए दिखाई देते हैं, हम देश दुनिया पर बात करते हैं, लेकिन जिस समस्या से हम रोज दो चार हो रहे हैं उस पर हम घर के अंदर बैठकर तो बात करते हैं लेकिन कभी भी उस पर आक्रोश उस तरह से जाहिर नहीं करते। आखिर क्या कारण? इस पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं रमेश खंडेलवाल, जो प्रेसिडेंट हैं अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में आशीष निगम मौजूद हैं, जो रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ इंदौर के अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, दाल सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, आम आदमी को रोटी दाल के भाव लगातार पता लग गए हैं और लगते भी जा रहे हैं। किस तरह महंगाई बढ़ी है, क्योंकि आप तो व्यापार को समझते हैं, सालों से आप व्यापार को देखते आ रहे हैं, हर चीज पर आपकी निगाह भी है। महंगाई का अगर हम इस वक्त ग्राफ देखें तो कहां जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत ही सहनशील है। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है, चाहे उपभोग की वस्तु हो या उपयोग की वस्तु हो, दालें, दाल, चावल, गेहूं, आटा, शक्कर, तेल, मसाले, टेक्सटाइल, जूते, चप्पल, कोई वस्तु ऐसी हिंदुस्तान में नहीं है जो अपनी महंगाई के चरम को स्पर्श नहीं कर रही हो। डीजल पेट्रोल के दाम एक बेसिक रीजन है। यदि डीजल का रेट बढ़ता है तो सभी वस्तुओं को प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एक मामूली बात है, पर चूंकि डीजल का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग की अनेक यूनिट्स में होता है तो हर चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है। सरकारी नौकरियों में तो कम से कम महंगाई के साथ साथ लोगों का डीएटीए भी बढ़ता है, परंतु जो कार्य करने वाले लोग हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, आज वो इतनी जबरदस्त तकलीफ में है कि हम कुछ बता नहीं सकते। मसालों के दाम 25% से लगाकर 100% तक बढ़ चुके हैं। शुगर महंगी हो चुकी है, मतलब सब्जियां बहुत महंगी हैं। जो किसी जमाने में मसूर एक बहुत सस्ती चीज हुआ करती थी, जो बहुत सस्ता होता था, आज जो एक लग्जरी की वस्तु बन चुका है, गरीब आदमी जौ का उपयोग करने की सोच नहीं सकता, ज्वार नहीं खा सकता। यानी ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से हिंदुस्तान अभी चल रहा है, ईश्वर ही मालिक है। रमेश जी, आप तो चूंकि कॉमर्स को समझते भी हैं, आखिर इस लगातार बढ़ती महंगाई का कारण क्या लगता है? क्या वैश्विक स्तर पर कोई प्रभाव डालती है कोई चीज, और जो युद्ध चल रहा है क्या उसका प्रभाव है, या कोई आंतरिक कारण लगता है इस महंगाई का? इसके अनेक कई कारण होते हैं। नंबर वन, डीजल का रेट हर चीज को प्रभावित करता है। दूसरा, एक सबसे बड़ी कंसर्न की बात है, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से विथ ड्यू रिस्पेक्ट करबद्ध क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा कि अनेक राज्यों में कई प्रकार की लुभावनी योजनाएं मुफ्त में बांटने की जो योजना चल रही है वो आज के सरकमस्टांसेस में हिंदुस्तान के लिए उचित नहीं है। इसे अविलंब बंद करना चाहिए और इसे देश के लोगों को निकम्मा बनाने की ओर ऐसी अग्रसर करती है। कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि जब घर बैठे मुफ्त का अनाज और काम करने के लिए मिलेगा तो कौन आदमी काम करेगा, तो देश की प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की मुफ्त वस्तुएं इस देश में बांटना बंद करना चाहिए, और जब तक कि महंगाई पे अंकुश नहीं होता, डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो उसकी मूल कीमत से कहीं ज्यादा टैक्स है उस टैक्स को कम करना चाहिए, और
जीएसटी लागू होने के पहले ये वादा किया गया था एक देश एक कर और सभी वस्तुएं जीएसटी में लाई जाएंगी, किंतु डीजल को आज तक भी जीएसटी में नहीं लाया गया है। तो जीएसटी को जीएसटी में डीजल को भी शामिल किया जाए, इससे भी काफी अंतर पड़ेगा। जी बात सही कह रहे हैं आप। इस वक्त योगेश जी आप तक पहुंचेंगे हम, लेकिन आशीष जी से बात कर लेते हैं। आशीष जी, चूंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रोटी कपड़ा मकान है वो तो महंगा हो ही रहा है, आप चूंकि रेडीमेड वस्त्र से संबंधित हैं, कपड़ों पर किस तरह की मार इस महंगाई पर पड़ी है? क्या आम आदमी ने कपड़े लेना कम कर दिए हैं? ये इस वक्त क्या स्थिति है कपड़ा मार्केट? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा जटिल मुद्दा अभी आप लाए हैं, ये बहुत जरूरी है। अभी स्थिति यह है कि हमारे भाई साहब रमेश जी ने जो बताया कि हालत इतनी खराब है और देश जो है भगवान भरोसे चल रहा है, किस स्थिति से देश चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आप देखिए, हमारा जो कपड़ा मिलों से आता था वो 110 रुपए मीटर आता था, आज की तारीख में 240 रुपए मीटर में हमको माल नहीं मिल रहा है। हम लोग एडवांस ड्राफ्ट भेज रहे हैं, उसके बाद मिल माल नहीं लिख रही है। तो स्थिति ये है कि पैसा देने के बाद 100% ज्यादा भाव होने के बाद भी माल नहीं मिल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग माल बनाए कैसे बनाए, किस रेट में माल बेचे, किस तरह से काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो रमेश भैया ने बोला कि भगवान भरोसे स्थिति है, वही हमारी स्थिति अभियान, यानी धीरे धीरे अगर ये स्थिति है तो गारमेंट हमारा जो है सस्ता है और कपड़ा महंगा है, जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं महंगी। जी जी बोलिए, क्या लगता है पेट्रोल डीजल ही इसका मूल कारण है, क्योंकि वो महंगा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ? मूल कारण डीजल ही है। डीजल में आज ट्रांसपोर्टेशन के खातिर बहुत तकलीफ पड़ रही है, रेट इतने बढ़ गए हर चीज के कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। आप देखिए, कॉटन के भाव 100% तेज हो गए हैं, यानी आज 10 रुपए का कॉटन जो है वो 100 रुपए का कॉटन है वो 200 रुपए का हो गया। तो क्या मिल वाले भी माल बनाएंगे, क्या हम गारमेंट्स वाले भी माल को बनाएंगे, क्या हमको कपड़ा मिलेगा, क्या हम गारमेंट्स बेचेंगे? सिर्फ ऐसे ही अगर हमको फैक्ट्री चलाना है तो ऐसे में कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी भैया। जी, लगातार बहुत फर्क पड़ रहा है। योगेश जी, चूंकि व्यापारिक दृष्टि से रमेश जी ने बात की, आशीष जी ने बात की, आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पर बतौर क्या कारण है महंगाई बढ़ने का, और आम आदमी इस वक्त किस क्या फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है? वास्तव में पंकज जी, आपने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया, धन्यवाद के पास है आप। महंगाई के जो मुद्दे हैं, खाली पेट्रोल डीजल गैस नहीं है, इन पर काफी बातें आदरणीय रमेश जी ने करी, हमारे व्यापारी बंधु ने करी। इसके अलावा आज बिजली महंगी है, पानी महंगा है, दाल दलहन खाने का तेल महंगा है, हर चीज जो दैनिक उपभोग की है और उपयोग की वो महंगी है। इसके पीछे मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने बताया, एक देश एक टैक्स की बात करने वाले मोदी जी अपने कहे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। 5 फेस में कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी जब से लागू हुआ है नोटबंदी के बाद 2016 से, तब से लेकर आज तक इतने कॉम्प्लिकेशन थे कि व्यापारियों को पसीना आ जाता हर महीने टैक्स भरने में और उसको समझने में, और उसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि महंगाई। अभी 4 दिन पहले प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि केंद्र सरकार खाने से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर टैक्स का स्लैब 5% से बढ़ाकर 8% करने जा रही है, डायरेक्ट 3% का और इजाफा करने जा रही है। तात्पर्य यह कहने का कि ये सारी चीजें और महंगी होने वाली है। पेट्रोल डीजल गैस को 2019 लोकसभा चुनाव थे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने ये शामिल किया था और वादा किया था देश की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम पेट्रोल डीजल गैस को जीएसटी में लाएंगे ताकि हमारे उपभोक्ताओं को राहत मिले। मगर दुर्भाग्यपूर्ण हालात में हमारी सरकार नहीं बनी, मोदी जी की सरकार बनी। पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद मोदी जी ने भी 2019 में यह आश्वस्त किया था देशवासियों को कि हम पेट्रोल डीजल गैस को जीएसटी में लाने की सोच रहे। देखिए, आज 19 से आते आते 22 हो गए, उसको लाने का निर्णय करना तो दूर, उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं माननीय मोदी जी। एक समय नारा दिया था इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, आज मोदी जी महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता का
ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से, ज्वलंत मुद्दों से हटाने के लिए धार्मिक आधार पर बेमनस्ता पैदा की जा रही है। आज धर्म के आधार पर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, कल जब आपका ये दांव फेल हो जाएगा तो आप जातिगत आधार पर जाएंगे, वर्ग संघर्ष निर्मित कराएंगे, तो आप देश को लेके कहां जा रहे हैं? अल्टरनेटली आज के प्रमुख समाचार पत्रों में, संगत जी, आज के समाचार पत्रों में 14.55% महंगाई दर बताई है, जो वैश्विक स्तर में सर्वाधिक है पिछले एक वर्ष से। लगातार एक साल से 10% से ऊपर महंगाई की दर चल रही है। ये किसी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी का 93% कर्जा भारत सरकार ले चुकी है। 119% कर्जे पे श्रीलंका आज दिवालिया हो गया। हम उनसे चंद कदम दूर हैं। तो मैं रमेश जी की उन बातों से अक्षर अक्षर सहमत हूँ। ये जो मुफ्त खोरी की आदत आप चुनाव जीतने की मंशा से डाल रहे हैं और इसका जो लोड आप मध्यम वर्गी के ऊपर और जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनकी जेब पर डाल रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में न केवल देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ेगा बल्कि मध्यम वर्गी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और ये जो 5 किलो अनाज का भी लुफ्त उठा रहे हैं ना, ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इनके हमने जन जागरण अभियान के माध्यम से ये पूछा कि केवल आपकी गृहस्थी क्या 5 किलो अनाज से पूरी हो रही है, तो इनका भी ये कहना है कि नहीं, आज हम महंगाई से चारों तरफ से जूझ रहे हैं, हमको खाने का तेल महंगा मिल रहा है, केरोसिन नहीं मिल रहा है, बाकी कई मूलभूत सुविधाएं जिनसे ये वंचित है। तो ये सब महंगाई पर जी योगेश जी, आप मुफ्तखोरी पर आपने सपोर्ट किया खंडेलवाल जी का, रमेश जी का, लेकिन मुफ्त की अगर हम बात करें तो हर सरकार जो है वो मुफ्त देती है, गरीबों को राशन देती है। आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर भी गरीबों को हर जगह दिया जाता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आपकी सरकार होती या आएगी या पहले थी वो मुफ्त नहीं बांटा करती थी अनाज? फ्री तो कभी किसी सरकार ने नहीं दिया, ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। 2-4 रुपए किलो लिया जाता है। लेकिन ये जो पिछले देखिए आप, मोदी जी स्वयं अपने अधिकथन में कई बार स्वीकार कर चुके हैं, 2014 में। लोग थे, अब 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मतलब 40 करोड़ गरीब लोग मोदी जी के पिछले 8 साल के शासन में बढ़ गए, तो गरीबों की संख्या बढ़ी है। आप मुफ्तखोरी के माध्यम से बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज जनमानस 500-600 रुपए बेलदार इसलिए मांगता है कि उसको मालूम है कि खाने की व्यवस्था पूरी घर में है, मैं क्यों 5 घंटे जाके धूप में काम करूं, और उसमें भी अपनी शर्तों पे काम करता है। आप लेने जाओगे तो इंटरव्यू लेता है आपसे कि साहब ऊपर का काम है, नीचे का काम है, ईंटें चढ़वाओगे, रेत चढ़वाओगे, गिट्टी, आज माल भाड़ा देगा महंगा है, लोडिंग अनलोडिंग महंगी है, सीमेंट मकान बनाना महंगा, सीमेंट की बोरी 450 ऊपर है, लोहा सरिया पे हर 20 दिन में रेट बढ़ रहे हैं और इतनी बुरी तरह बढ़ रहे हैं कि पिछले दशक में नहीं बढ़े। तो ये सब मोदी जी की नीतियों का विफलता है और नीति आयोग, केंद्र शासित नीति आयोग ने ये इनको तमगा दिया है कि पिछले दशक की, एक दशक की सबसे ज्यादा आर्थिक महामारी मोदी शासन में। योगेश जी, आपने एक और बात कही है, जीएसटी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जीएसटी भी एक बड़ा कारण है महंगाई बढ़ने का। रमेश खंडेलवाल जी मौजूद है। रमेश जी, क्या आपको लगता है, या चूंकि आप तो बेहतर समझते हैं, व्यापारी भी हैं, जीएसटी आप भरते भी हैं, क्या जीएसटी आज भी लोगों को समझ में नहीं आया है, और क्या वाकई जीएसटी जो है वो महंगाई बढ़ने का कारण हो सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। महंगाई के कई अनेक कारण है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आज खाद्य तेल में हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी आवश्यकताओं का लगभग 70% खाद्य तेल हम विदेशों से आयात करते हैं। हमारे यहाँ जो खाद्य तेल का उपयोग होता है उसमें लगभग 60% सनफ्लावर ऑयल का कंजम्पशन होता है, और ये यूक्रेन और रशिया साइड से ही हमारे यहाँ आयातित होता है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध से भी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है, और इससे खाद्य तेलों की महंगाई जबरदस्त बढ़ी है। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण ये है, बड़ी माफी के साथ मैं आपको करेक्ट करता हूं, दूसरी एक बात ये है कि जहां पेट्रोल पहले सरसों का तेल भारत में 200 रुपए लीटर था। मेरी बात सुनिए, जब एक तेल महंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक महंगा हो गया होगा, ना
एक कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो दूसरी के ऊपर लोड आना स्वाभाविक है। हमारी महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है यूक्रेन हमारे, हम बात कर रहे हैं डीजल की पेट्रोल की, डीजल की प्राइस कंट्रोल करने का। अब आप मेरे को बोले देंगे तब मैं बोलूंगा ना, डीजल बहाना नहीं बनाएंगे आप। हमारा मुद्दा महंगाई का है, सरकारों को या पार्टियों को इनकी प्रशंसा करना या उनका क्रिटिसिज्म करना हमारा आज का विषय नहीं है। हम अपने विषयता का यदि अपने आप को केंद्रित करेंगे तो बेहतर होगा। मेरा भी यही मानना है आदरणीय रमेश जी, यूक्रेन युद्ध से पहले महंगाई थी, हमने 119 रुपए यूक्रेन युद्ध के खरीदा है नवंबर 2021 में, तब यूक्रेन था नवंबर 2021 में। महंगाई के दो पहलू हैं, तब हमने 119 लीटर पेट्रोल खरीदा है भोपाल शहर में। मेरी बात सुनिए, महंगाई के दो पहलू हैं, यदि एक अनाज महंगा मिलता है या कृषि उपज की वस्तुएं महंगी मिलती है तो किसानों के जेब में पैसा जाता है, और जब ग्रामीण अंचलों में अन्नदाता की जेब में पैसा जाता है तो देश ऑटोमेटिक तरक्की करता है। तो एक अनाज खाने की वस्तु होने से एक नुकसान के साथ साथ ये भी फायदा है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, जहां तक डीजल की महंगाई का सवाल है, डीजल के लिए हमें इसकी खपत कम करना चाहिए। और आज हम देख चुके हैं कि अनेक देशों में एथेनॉल का परसेंटेज पेट्रोल में बढ़ाने से वाहन अच्छी तरह से चल रहे हैं, 100% एथेनॉल पर भी वाहन सुचारू रूप से चलते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो अभी ब्लेंडिंग अलाउड है एथेनॉल का डीजल में, उसको बढ़ाना चाहिए। एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री को अधिक से अधिक इंसेंटिव देकर के बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी डीजल पर आत्मनिर्भरता कम हो। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम सोलर एनर्जी द्वारा उत्पादित पावर से काम कर सके। अनेक हमें पावर प्लांट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अनेक ऐसे फैक्टर है जिससे हम डीजल पर। अच्छी बात है कि आप सुझाव दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये सुझाव दे रहे हैं। हमारी सरकार इस विषय में धीरे धीरे और कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रही है, आने वाले समय में इसके परिणाम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक महंगाई का सवाल है, ये केवल हिंदुस्तान का विषय नहीं है, आज पूरे विश्व के हर राज्यों में महंगाई से जनता त्रस्त है। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में तो हमारे हिंदुस्तान से भी ज्यादा महंगाई है। पर सवाल ये नहीं है कि दूसरे देशों में महंगाई है तो हमें भी बता करना चाहिए, हमें हर वो संभव उपाय करना चाहिए जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो। उसके तरीके हैं, डीजल की प्राइस कम करें, डीजल का उपयोग कम करें, किसानों को अधिक बढ़ावा बढ़ावे। रमेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे सुझाव भी आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सुझाव वाकई सरकार तक पहुंचने भी चाहिए। आशीष जी, सुझाव के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आखिर इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? सर मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आज की तारीख में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों जरूरतमंद चीजें हैं और तीनों ही बेहिसाब महंगी हो गई है। तो सरकार को सबसे पहले तो इन तीन चीजों पे मेन जो मूल चीजें हैं तीनों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो रोटी, आज जो हम अनाज ले रहे हैं बहुत महंगा, जैसे रमेश जी बोल रहे हैं, हमारे भैया बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, तो अनाज पे ध्यान देना चाहिए। कपड़ा जो है बेहिसाब महंगा हो गया है, इस पे ध्यान देना चाहिए। आज रॉ मटेरियल, आप कोई बिल्डिंग बनाता है तो कम से कम 250% कॉस्ट बढ़ चुकी है हर चीज की, तो ये स्थिति सरकार को देखना चाहिए। अगर सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देगी तो हम व्यापारी हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे रमेश जी बोल रहे हैं कि भैया हमें कोई सरकारों से लेना नहीं है, हम तो एक व्यापारी लोग हैं, हम एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस चीज का ध्यान दें, नहीं देंगे तो देश जो है दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आशीष जी, लेकिन क्या लगता है आपको भी कि आपने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की कीमतें घटा दी जाए, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें यदि घट जाएंगी तो कमोबेश हर चीज पे कीमत घट जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। आज हमको हमारा तमिलनाडु माल भेजना पड़ता है, जो हमारा एक पार्सल 500 रुपए में जाता था, आज की तारीख में 1200 रुपए में पार्सल जाता है। तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की सरकार से हमारा बिजनेस गारमेंट का कम होता जा रहा है,
लोग लोकली माल ज्यादा ले रहे हैं, उनको रेट में भी फर्क पड़ रहा है। महंगाई की तो एमपी गवर्नमेंट को भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई महंगाई पे एक ही असर नहीं होता, बल्कि आपने कहा कि हर चीज पर असर होता है उसका। योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अंत में, समय चुकी कम है, लेकिन सुझाव के रूप में आप क्या अंडरलाइन करना चाहेंगे सरकार के लिए? सबसे पहले पेट्रोल डीजल बेसिक जरूरतें हैं और इस पर केंद्र की मोदी सरकार मोर देन परचेस डबल आज भी बेहतर होगा राष्ट्रीय मानकों में। योगेश जी हम चूंकि बहस नहीं चाह रहे हैं क्योंकि समय कम है, कि बहुत संक्षेप में सकारात्मक रूप से क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? संक्षेप में पेट्रोल डीजल गैस को तुरंत जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इस पर जो टैक्स है वो उसकी खरीद से डबल है। 78 रुपए प्रति लीटर हम उपभोक्ता पेट्रोल पर टैक्स चुका रहे हैं और 68 रुपए 69 पैसे डीजल पर हम टैक्स चुका रहे हैं। यह टैक्स की भारी भरकम मारी महंगाई की असल जड़ है, इसलिए पेट्रोल डीजल गैस पर तुरंत टैक्स में राहत देना चाहिए। इसको शीघ्र अतिशीघ्र जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन क्या इतना कम आप रेट बता रहे हैं, क्या दुनिया में इतना रेट कम मिल पाएगा उन जगहों छोड़कर जो खुद तेल के उत्पादक हैं? आज हमारे यहाँ से भारत से सस्ता पेट्रोल बांग्लादेश में, भारत से सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में, भारत से सस्ता पेट्रोल अफगानिस्तान में है, श्रीलंका को तो हम अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भूटान में हमारे यहाँ से सस्ता, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के कहने का तात्पर्य वो हमसे सस्ता पेट्रोल हम ही से खरीद कर बेच रहे हैं, उनको पेट्रोल भी हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वह टैक्स का स्लैब कम है और भारत सरकार ने जो टैक्स का बोझ हम भारतीयों के ऊपर डाल रखा है वो सर्वाधिक है पूरे विश्व में। अमेरिका, जापान, रशिया सबसे मिलाकर सबसे ज्यादा टैक्स अगर भारत सरकार वसूल रही है तो पेट्रोल डीजल और गैस के ऊपर वसूली जा रही है। सीएनजी महंगी है, पीएनजी महंगी है, हर चीज पर भारी मार है और ये पैसा कहाँ जा रहा है? 93% हम जीडीपी का कर्जा। यही विषय भी था योगेश जी, यही विषय भी था कि आखिर महंगाई पर किस तरह से बात की जाए, आम जनता को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे समझाया जाए, सरकार के पास भी ये बात पहुंचेगी। रमेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आशीष जी ने भी कही कि आपने जीएसटी की बात कही, रमेश जी ने जो है पेट्रोल डीजल की बात कही, आशीष जी ने भी वही कही कि डीजल और पेट्रोल यदि कम हो जाता है भाव तो मुझे लगता है कि हर चीज, बल्कि ये जो अर्थशास्त्री है वो भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत जब घटती है तो पूरे देश में हर चीज पर कीमत घट सकती है और आम आदमी को राहत मिल सकती है। बहरहाल बहस का ये विषय आम जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, यही साधना न्यूज मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ का सोचना था और शायद हम इसमें कुछ कामयाब भी हो रहे हैं। आप सबसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। और आशीष जी कभी मिलिएगा? जी सर, जरूर मुलाकात।